नमस्कार। पंजाब के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में जन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर केजरीवाल के लिए हुई जनसभा, रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल वहां पर पहुंची है। तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां जनसभा में उन्होंने शिरकत की है। साथ ही केजरीवाल की रिहाई के लिए ये पूरी जनसभा आयोजित की गई है। सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान इस में शामिल हुए हैं। भगवंत मान का एक काफिला आप देख सकते हैं आज जो है यहां पर संबोधित किया जाएगा और केजरीवाल की रिहाई की जो है मांग रामलीला मैदान से हुंकार भरेगी। और वही लोकसभा चुनाव को लेकर पटियाला से बीजेपी ने परनीत कौर को सांसद की सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। टिकट मिलने के बाद परनीत कौर ने कहा कि अपने चुनावी सफर की शुरुआत वो कर रही हैं। इसके साथ ही चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन पार्टी वर्कर भी एकजुट हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ पुराने बीजेपी वर्कर हैं जो कि नाराज चल रहे थे, उनसे मैं मिल चुकी हूं और सब इकट्ठे होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। पटियाला से बीजेपी के उम्मीदवार जो है घोषित हो गई हैं। परनीत कौर का नाम जो है सीट पर सामने आया है, चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। परनीत कौर ने खुद ये जानकारी साझा की है, साथ ही बताया कि कुछ जो है आंतरिक छुटपुट चल रही थी पार्टी के वर्कर्स में वो दूर हो चुकी है। सभी अब जो है इकट्ठा होकर एकजुट होकर के चुनावी शंखनाद करेंगे और पार्टी की जीत में अहम योगदान निभाएंगे। ये खबर जहां पर परनीत कौर को पार्टी ने टिकट दे दिया है, पटियाला से चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी उम्मीदवार उन्हें घोषित कर दिया गया है। वही लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से पंजाब के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लोकसभा हल्का गुरदासपुर के लिए पठानकोट के विधानसभा हल्का सुजानपुर के दिनेश सिंह बब्बू को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। बता दें कि दिनेश सिंह बब्बू विधानसभा हल्का सुजानपुर से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पंजाब सरकार में वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। अब बीजेपी की ओर से उनको लोकसभा हल्का गुरदासपुर से मैदान में उतारा गया है। इस बारे में दिनेश सिंह बब्बू ने कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पठानकोट से दिनेश सिंह को जो है टिकट दे दिया गया है, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की उन्होंने बात कही है। देख सकते हैं टिकट मिलने के बाद जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया, आतिशबाजी की गई। गुरदासपुर के दिनेश बब्बू प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। पठानकोट से सीधे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पठानकोट से दिनेश बब्बू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। प्रत्याशियों ने नाचते गाते हुए पटाखे फोड़कर उन्हें टिकट मिलने पर हर्ष जताया। मैं पार्टी का हाई कमांड था, अपने आप व्यक्त करना कि एक वर्कर को उतरता मैं कभी अपने आप एमएलए नहीं समझा, मैं पार्टी का वर्कर समझा। मैं इसलिए ये कहता कि पार्टी हाई पार्टी जरूर भी जाएगी, आप पार्टी ना चलना और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए वो वास्ते ही जोड़ा नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लोकसभा चुनाव से पहले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम मायने इसके निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की है। ते आज लोकसभा दे विच
चाहे इलेक्शन अजे दो महीने पे है, पर इस प्रेजेंट लोकसभा के अंदर सुशील रिंकू जी दे बीजेपी ज्वाइन करने दे नाल लोकसभा दे पूरे उस इतिहास चो आम आदमी पार्टी का नाम मनफी हो गया। अज उथे एक भी सदस्यता आम आदमी पार्टी को नहीं बची। मैनू उम्मीद है आने वाले इस इलेक्शन के दौरान भी स्थिति आ ही रहेगी, क्योंकि जिथे सुशील रिंकू जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहीं पंजाब में लगातार दो दिनों से कई शहरों में मौसम खराब होने से जहां खेती को काफी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं बिजली गिरने से और बारिश के कारण एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बता दें कि आसमानी बिजली गिरने से घर के अंदर सो रही महिला पर छत का स्लैब जा गिरा, जिससे वो मलबे के नीचे दब गए और इस दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। फिरोजपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बिजली गिरने के दौरान एक हादसा हो गया। एक मकान का छत का स्लैब जो है वो नीचे जा गिरा, एक महिला की उसके नीचे दबने से मौत हो गई है। जो परिवारजन हैं उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आपको उनके आवास से दिखा रहे हैं, उनके परिजन रोते बिलखते आपको दिखाई दे रहे हैं। फिरोजपुर से ये खबर जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से ये हादसा हो गया। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਨਾਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕ ਪਈ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਧਮਕ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਡਿੱਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹਨੇਰ ਆਇਆ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇੜਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਨਾਲ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕ ਵੱਜੀ, ਧਮਕ ਨਾਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। खबर में आगे बढ़ते हैं जहां शेरपुर थाने में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि पुलिस स्टेशन शेरपुर के मुख्य इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता मूक और मानसिक रूप से कमजोर है। शेरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक नाबालिग किशोरी के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਹੈਗੀ ਨੀ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਗੁੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਨੀ ਘਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਲ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। वही खन्ना में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार दो युवकों से 25 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के दौरान 50,000 रुपए से अधिक रुपए बिना कागजात लेकर जाने पर पाबंदी है। कार सवार युवकों के पास कोई कागजात नहीं थे तो खन्ना पुलिस ने इसकी जांच इनकम टैक्स विभाग को सौंप दी है।
तस्वीर आपको बता रहे खन्ना से, जहां पर 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं एक व्यक्ति के पास से। पुलिस ने नाकाबंदी की थी, चेकिंग की जा रही थी, गाड़ियों को रोक करके उनसे तलाशी ली जा रही थी। उस दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए का बैग जो है पुलिस ने बरामद किया है। पैसे कहां से आए हैं इसकी जो है पुलिस जांच कर रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, 25 लाख रुपए की गड्डियां नोट आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के दौरान ये कैश पुलिस को बरामद हुआ। धमाके दौरान अपनी चेकिंग की जा रही थी, सुखदीप सिंह सब इंस्पेक्टर ने 25 लाख रुपया फड़िया। आकाशदीप सिंह है, गोविंदगढ़ का बंदा। पूरे समान जैसी डी डी आर पाई है, कैश उन्हें अपने कब्जा पुलिस से लिया गया। लुधियाना तो अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे आए ने, अपनी छानबीन कर रहे हैं। 25 लाख रुपया कैश फड़े। वहीं श्री मुक्तसर साहिब के रेलवे रोड पर कार और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बता दें कि रविवार सुबह तड़के रेलवे रोड पर एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और अस्पताल के गेट से टकरा गई। इस हादसे में करीब 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसे की वजह शख्स का रेस लगाना था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। फिलहाल एक शख्स का पैर इसमें टूट गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। श्री मुक्तसर के रेलवे रोड के पास ये भयानक सड़क हादसा हो गया है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। मौके पर देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। करीब 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसे पुलिस खंगाल रही है और जांच करेगी कि यह हादसा कैसे हुआ। श्री मुक्तसर के पास रेलवे लाइन के पास यह हादसा, जहां पर रेलवे रोड पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देख सकते हैं कार की यह भिड़न, जहां पर कार दीवार से जा टकराई और 3 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। ये पत्र जो है जेपी नड्डा ने जारी किया है। चुनाव को लेकर के ये पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। समिति लोकसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, जो कि रणनीति बनाएगी और लोकसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभाएगी। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से अमृतसर से सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला रवनीत सिंह बिट्टू से मिले। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि वे रवनीत सिंह बिट्टू की घर वापसी के लिए जरूर कोशिश करेंगे। लुधियाना से खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं रवनीत सिंह बिट्टू। ये तस्वीरें जहां पर घर वापसी की तैयारी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से हाथ दामन जो है वो थाम लिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने बिट्टू से मुलाकात भी की है। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੇਗ ਚ ਵਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨੇ 700 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ। ਵਹੀ ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ, ਜਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਫਸਲੋਂ ਕਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਗੇਹੂੰ, ਸਰਸੋਂ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 से 35% ਫਸਲੇ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਟਿੰਡਾ ਕੇ ਗਾਓ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ
और जगजीत सिंह ने बताया कि इस बार गेहूं की फसल से उनको बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि गेहूं की फसल ही किसानों की बचत होती है, लेकिन इस बार पहले ओलावृष्टि हुई और उसके बाद तेज तूफान और बारिश के कारण किसानों का ये भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो किसानों का साथ दे ताकि यह आर्थिक संकट से उभर सके। पठानकोट से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मौसम ने करवट ले ली है, लगातार ये जो मौसम करवट ले रहा है उससे ओलावृष्टि और बारिश होने से गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि एमएसपी पर जो है अब गेहूं की खरीद होना शुरू हो जाएगी और उससे पहले ये बड़ी मार किसानों के कंधों पर लगी है जहां पर खराब मौसम के कारण किसानों की फसलें और सब्जियां खराब हो गई है, उन्हें भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। मेरा नाम जगशीर सिंह है जी। पिंड है जी, नुकसान 35-40 पैसे है जी। फसल तो आसा जिमीदार जी, एक फसल चंगी होगी, आ काम करांगे आ काम करांगे, वो सारिया आसा ते पानी फिर गया जी। पहला गड़े मारी हुण तखड़। हां जी, बाह फड़ू लगदा सरकार। सरकार देखो जी मुश्किल है जी, पिछले साल नहीं कुछ किया जी, एक की करना जी। किन्ना क नुकसान दे नाल नाल होर सानू किन्नियां क समस्यावां आ रही है जिहड़ियां इस नुकसान होण तों बाद? समस्या सारियां जी, हुण इक तां इह जदों हुण वढाई वेले वी साडा नुकसान ही है जी, कुछ तां थल्ले रहेगू जदों मशीन वढूगी डिग्गी कणक नूं, ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਲਾ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਮੈਂ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਗ ਲੱਗਣੇ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਦੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੜੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਬ ਤੱਕ ਲੱਖੋਂ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਜਲ ਕਰਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਗ ਲੱਗਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨੋਂ ਕਾ ਪਤਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਬਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। खबर पठानकोट से है जहां एक ढाबे में मौजूद नौजवानों पर 5 से 6 लोगों ने गोलियां चला दी। मैं बता दें कि हमलावरों द्वारा 7 राउंड फायरिंग की गई, 2 नौजवानों को 3 गोलियां लगी हैं, दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही हमले की असली वजह और हमलावरों का पता चल पाएगा। सरने चौक दे विच इक भाशी दा ढाबा आ, इत्थे सानू इनफॉर्मेशन मिली है कि इत्थे गोलियां चलियां ने। जो असीं मौके ते पहुंचे हां ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 7 9 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1:15 ਵਜੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨਸ਼ੌਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ
एक दा नाम हैगा विक्रांत सिंह जिहड़ा कि मडहट कॉलोनी कच्चे क्वार्टर दा रहण वाला है ते दूसरा जिहड़ा नाम हैगा लखविंदर सिंह ये न्यू थरेहाल दे रहण वाले हैगे आ दोनां दी उमर जिहड़ी है 35-36 साल दे करीब हैगी है ते इन्हां नूं असीं फर्स्ट एड दे के हायर सेंटर विच रेफर कर दिता है दोनों की कंडीशन जी फर्स्ट एड दी असीं उन्हां नूं स्टेबल कर दिता है सारे दोनों बच्चे जिहड़े हैगे होश विच सीगे ते इन्हां नूं हायर सेंटर विच रेफर अगले इलाज लई कर दिता बैठे हुए थे जिहड़ी गलबात तो पता लग्या चार पांच मुंडे बाहर डराट और गोलियां लेके आए ने उन्होंने आंदे अंदर तो 8-9 फायर करते हैं जिद विच 7 कोल ते बरामद हो गए इन्हों ही असं फोन कर दिया गया सारी पुलिस भी आ गई अपनी कार्रवाई करती पई है सारा कुछ तो यही चाहते हैं क्योंकि ये जी हो जिदा के अटैक हो रहा है नॉर्मली आम जनता के जी भी चीज़ें दहशत का हैगा इनू जल्दी तो जल्दी किया जाए साढ़े सारे SHO साहब वगैरह सारे पहुंच गए हैं और वहीं तरन तारण पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने 6 लोगों को 3 किलो 260 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल भी बरामद की है तरन तारण के SSP असवानी कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है जो पोहवेंड तो उधर जा रहे थे राजकीय सड़क के उत्ते दो एक्टिवा ते आंदे नजर आए मुंडे उन्होंने रोक के जो तलाशी ले किट बैग सीगा उन्होंने मोढ़े ते रखा हुआ उसकी तलाशी लैन से 2 किलो जिहड़ी हीरोइन रिकवर हुई और ये जिहड़ा आशीष एक दा नाम हैगा तिने दो जने सीगे एक बाद च नॉमीनेट होया अजय आशीष जिहड़ा हैगा वह मेन हैगा 2 परचे उहदे ते पहले भी दर्ज है ये 3 जणियां की गिरफ्तारी हुई है 2 किलो जिहड़ी है मिली है उत्ते बैकवर्ड ते फॉरवर्ड जिहड़े कित्थे जाणी सीगी करीबन चंडीगढ़ होर शहरां च भी सप्लाई वगैरह करदे सीगे वहीं होशियारपुर के सड़कों पर स्टंट कर रहे अमृतसर नंबर की मोटरसाइकिल और चालक को PCR प्रभारी सुभाष भगत ने पकड़ लिया पिछले कई महीनों से PCR प्रभारी सुभाष भगत सुर्खियों में है और अब उन्होंने होशियारपुर की सड़कों पर अमृतसरी नंबर की मोटरसाइकिल के साथ स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है बाइक का चालान करके उसे सबक भी सिखाया है ब्रदर मसला ये सीखा भी इतों 3 दिन पहला ना ये सोशल मीडिया उपर चल रहा सीगा कि 2 लड़कियां ने जेडे रंग बिरंगे जेडे हेलमेट वड्डे बना के उहदे उपर वड्डे वड्डे उन्होंने टॉय टैप जदों कन्न जे हुंदे आ उह लाए सीगे उह ला के घूम रहे सीगे विचों स्टंट मारदे सीगे और उह जिथे घुमा रहे सीगे उह जगह हैगी बहुत रश वाली और बड़ी तेज लंघ रहे सी उहदे उपरों इहदी जिहड़ी वीडियो वायरल होई आ उह चली सोशल मीडिया दे विच चली आ तो जिहड़े साडे प्रेस रिपोर्टर भरा लोकल उन्होंने भी पाई है ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਾੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੁਝੇ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ